हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम भासार। मेरी आज की वीडियो है कैपेसिटर के बारे में। तो मैं इस वीडियो में कैपेसिटर की पूरी जानकारी दूंगा। इसमें आप सीखोगे कि कैपेसिटर कैसा दिखता है, क्या काम करता है और किस जगह लगा हुआ होता है और उनकी चेकिंग कैसी होगी। अगर वो लीकेज है तो किस तरीके से चेक करेंगे, शॉर्टिंग है तो कैसे पता करेंगे और ओपन है तो किस तरीके से हमें पता होगा कि ये कंपोनेंट खराब है और ये ओपन होने के कारण खराब है ना। तो मेरी वीडियो एंड तक देखना, आपको कंप्लीट नॉलेज मिलेगा उस कैपेसिटर के बारे में। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और इसी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना। ठीक है, मेरी वीडियो आगे की मैं शुरू करता हूँ और आप समझो इसको कि किस तरीके से ये काम करता हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कैपेसिटर क्या होते हैं, इनको चेक कैसे करना है, ये पहचान इनकी कैसी है और ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको पहले बता दूं कि हमारी मोबाइल रिपेयरिंग में कैपेसिटर सबसे अधिक मात्रा में लगे होते हैं, है ना। ये मैंने लिख के रख लिया है ना, आप पुश करके इसको लिख भी सकते हो आसानी से, है ना। और मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। तो ये क्या रहते हैं कि देखो, ये पीसीबी है ना, पीसीबी में जो भी ये भूरे भूरे कलर के हैं, हल्के भूरे, हल्के काले, हल्के सफ़ेद रंग के कैपेसिटर होते हैं। इनका काम क्या होता है कि ये एसी को पास करते हैं और डीसी को रोकते हैं, मतलब ये फिल्टर का काम करते हैं। ठीक है, पीसीबी में जहाँ भी मतलब पल्स उत्पन्न होती है तो उसको क्या करते हैं कि वो फिल्टर कर देते हैं, एसी करंटों को पास करते और डीसी को रोकते हैं। ये क्या करते हैं कि ज्यादातर ग्राउंड से जुड़े हुए रहते हैं तो एसी करंटों को क्या कर देते हैं, ग्राउंड कर देते हैं। इसको ध्यान से देखो, ये एक टीवी में जो लगता है कैपेसिटर वो वाला है, तो इसको देखो, ये लिखा है 470 UF। उसी उसमें ये क्या लिखा है, 470 UF। अब ये कैपेसिटर कितना फिल्टर कर रहा है, 470 UF का कर रहा है। ठीक है, अब इसका भी एक वोल्टेज रहता है कि ये 10 वोल्ट तक फिल्टर कर सकता है, उससे अधिक वोल्टेज हुआ तो क्या होगा कि ये फिल्टर ये खुद खराब हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से सारे कंपोनेंट जो लगे रहते हैं, जैसे क्वाइल हो गया, फ्यूज हो गया, कोई सा भी कंपोनेंट, उनकी एक कैपेसिटी रहती है, उससे अधिक वोल्टेज आएगा तो वो सब क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, है ना। अब ये खराब हो रहा है तो ये खराब किस कारण से होगा, या तो शॉर्ट होने के कारण से खराब होगा, ओपन होने के कारण से खराब होगा, या लीकेज होने के कारण से खराब होगा। तो हम इनकी जो टेस्टिंग करेंगे वो किस बेस पे करेंगे कि शॉर्ट तो नहीं है, ओपन तो नहीं है और लीकेज तो नहीं है। ठीक है, अब एक और चीज है कि कैपेसिटर कितने प्रकार के होते हैं, तो ये होते हैं दो प्रकार के। दो प्रकार के कैसे, एक पोलोराइज और एक नॉन पोलोराइज। अब पोलोराइज में क्या होगा कि ये जैसे पोलोराइज है तो इसका ये माइनस वाला पॉइंट दिख रहा है, ये हाईलाइट करा हुआ है ना, और प्लस वाला ये, तो इनको उल्टा लगा सकते क्या, नहीं लगा सकते, मतलब ये प्लस वाला प्लस में लगेगा और माइनस वाला माइनस में लगेगा। दूसरा है नॉन पोलोराइज, तो नॉन पोलोराइज को हम उल्टा सीधा कैसा भी लगा सकते हैं। जैसे ये जो भूरे कलर के लगे हैं, इन पे मार्क है क्या, इसको जूम करो तो देखो ये इस तरीके से दिखेगा। ये जो भूरे भूरे कलर के जो ये लगे हुए हैं, ये क्या है, नॉन पोलोराइज कैपेसिटर, मतलब इसको कैसा भी लगा सकते, इससे कोई दिक्कत नहीं है। और पोलोराइज कैपेसिटर फिलहाल इस पीसीबी में नहीं है, तो मैं एक बीच में एक इमेज डाल दूंगा वीडियो एडिट करके, तो उस इमेज में देखना कि माइनस वाले पार्ट पे क्या रहेगा, इस तरीके से हाईलाइट करा रहेगा, है ना, ताकि हाईलाइट करा रहेगा, ताकि क्या करेंगे हम कि उसको उसके मतलब मार्क देख के ही लगाएंगे, जैसा निकालना है वैसा ही लगाना है। अब नॉन पोलराइज कैपेसिटर से एक तरीके से और समझ सकते हो, जैसे पंखे में लगा हुआ कंडेंसर रहता है, उस पर कोई मार्क रहता है क्या कि उल्टा ऐसा लगाना है कि ऐसा लगाना है ना, उस पर कोई मार्क नहीं रहता, मतलब वो नॉन पोलराइज रहता, कैसा भी हम लगा सकते। तो अब समझ में आ गया कि कैपेसिटर क्या काम करता है, फिल्टर का काम करता है। ठीक है, और कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, पोलोराइज और नॉन पोलोराइज। ठीक है, और हमारे मोबाइल में ज़्यादातर नॉन पोलोराइज बहुत सारे लगे हुए रहेंगे, क्योंकि जहाँ भी ये उत्पन्न एसी करंट होता है तो वो एसी करंटों को क्या कर देता है, ग्राउंड कर देता है। ठीक है, ताकि आगे शुद्ध डीसी मिल सके। ठीक है, तो ये हो गया कैपेसिटर का काम। अब हम इसको चेक कैसे करेंगे, तो चेक करने में आपने देखना कि पंखे का कंडेंसर, अब कभी अपन दुकान से लेने जाते हैं तो वो क्या करता है कि सीरीज वाले में चार्ज करके देता है और उसको फोड़ के देखता है, मतलब उसको शॉर्ट करता है, स्पार्क हुआ तो वो क्या है, चालू है। ठीक है, तो वैसे ही ये भी क्या करेगा, बजर वाली रेंज पे हमने रखा है। अब इसको पहले चेक करेंगे हम शॉर्टिंग में, ये वैसे फिलहाल में ऑन कंडीशन में है कैपेसिटर, तो शॉर्टिंग में इस तरीके से कंडीशन पे क्या होगा कि बीप बजाएगा, क्या होगा, बीप बजाएगा। ये फिलहाल में रीडिंग दे रहा है, मतलब ये शॉर्टिंग नहीं है। अब दूसरी आती है ओपन,
ओपन में कुछ भी नहीं दे, जैसे हम मान लो हमने ये टच कर लिया है, फिलहाल में टच नहीं है क्योंकि चालू कंडीशन में है ना, तो ओपन में क्या होगा, कुछ भी मीटर पे रीडिंग दे रहा है क्या? नहीं दे रहा है, ठीक है। अब होता है ऑन कंडीशन, तो ऑन कंडीशन में क्या होगा, ये चार्ज होगा, देखो रीडिंग देगा, फिलहाल में चार्ज हो चुका था, तो इसको क्या करेंगे, हम शॉर्ट कर देंगे, ठीक है। अब चेक करेंगे तो ये रीडिंग बढ़ेगी और वापस जीरो हो जाएगी, हो गई, ठीक है, मतलब चालू है। अब दोबारा हम लगाएंगे तो ये रीडिंग देगा क्या? नहीं देगा, क्योंकि एक बार चार्ज हो चुका है। अब इसको शॉर्ट करा है ना, और फिर इसको लगाया, ठीक है, वापस चार्ज हो और डिस्चार्ज हो, ऐसा ये दो ही तरफ से होगा वैसे। जीरो हो गया, अब दोबारा लगाएंगे तो होगा क्या? नहीं होगा। फिर क्या करेंगे, इसको शॉर्ट करा, अब लगाएंगे, अब वापस चार्ज हुआ और डिस्चार्ज, मतलब ये कैपेसिटर ऑन कंडीशन में, ठीक है। इसी तरीके से कैपेसिटर मोबाइल का भी चेक होगा और इसी तरीके से नॉर्मल भी होगा। ये बड़े कैपेसिटर को चेक करना, चेक करके समझाने में आसानी रहती है, इसलिए मैंने ये कैपेसिटर लिया। सेम इसी कंडीशन पे मोबाइल वाला कैपेसिटर रहेगा, उसको भी इसी तरीके से चेक करना है। अब दूसरी मोबाइल वाले कैपेसिटर हम पीसीबी पे लगा हुआ चेक करेंगे, तो उनको चेक करने का कंडीशन क्या रहता है कि एक सभी कैपेसिटरों की एक रीडिंग रहती है। जैसे आपने इस वीडियो में देखा होगा कि ये 10 जो मैंने कैपेसिटर चेक करा था 270 UF वाला, इस ये जो 1300 तक जा रहा है, तो दूसरा कैपेसिटर भी क्या होगा, 1300 तक जाएगा है ना, और उसके बाद जीरो होगा। अब मान लो लीकेज रहा, तो लीकेज कैपेसिटर कैसे चेक करेंगे? जैसे हमारे को ऑन कैपेसिटर का पता है कि ये 1300 तक जाता है, अब लीकेज वाला रहा तो वो या तो बहुत ज़्यादा रीडिंग दे देगा या तो बहुत कम देगा, मतलब क्या है, लीकेज है। अब सेम इसी कंडीशन का कैपेसिटर लीकेज रहता है तो ये हमिंग करता है। मोबाइल चार्जर आपने देखे होंगे, उसमें से एक हमिंग की आवाज़ आती है, ऐसे सर्राटा चलता है, मतलब वो कैपेसिटर क्या है, लीकेज हुआ है, लेकिन ज़्यादा कंडीशन में लीकेज नहीं हुआ है इसलिए वो हमिंग देने लग गया है। तो उस कंडीशन में भी हम क्या करेंगे, उस कैपेसिटर को जो हमिंग दे रहा है उसको हम बदल देंगे, क्योंकि वो लीकेज होने के कारण खराब हो चुका है और कुछ समय बाद वो शॉर्ट भी हो सकता है, ठीक है। और शॉर्ट होने पर वो दूसरी चीज़ों को खराब करेगा, इसलिए हम हमिंग देने से पहले ही उसे चेंज कर देंगे। तो अब आपको कैपेसिटर के बारे में पता चल गया होगा, ठीक है, ये कैपेसिटर क्यों रिपेयर किया जाता है। मोबाइल मैकेनिक उखाड़ के फेंकते जाते हैं है ना, वो शॉर्ट होने के कारण वो क्या करते हैं, उखाड़ दो तो फोन चालू हो जाएगा, लेकिन उन्हें ये नहीं पता रहता कि ये उखाड़ क्यों रहे हैं और क्यों नहीं उखाड़ रहे। तो ये समझ में आ गया कि ये खराब, कोई सा भी कंपोनेंट खराब होता है तो क्यों होता है, शॉर्ट होने के कारण खराब होता है, ओपन होने के कारण खराब होता है और लीकेज होने के कारण खराब होता है। मतलब हम सारे कंपोनेंट उनको चेक करेंगे तो किन तीन विषयों पर चेक करेंगे, शॉर्ट, ओपन और लीकेज, ठीक है। अब एक चीज का ध्यान रखना कि हम मोबाइल के कैपेसिटर शॉर्ट होते हैं तो हटा देते हैं, क्योंकि फोन क्या होता है कि शॉर्टिंग बताने लग जाता है, मतलब प्राइमरी लाइन हो या सेकेंडरी लाइन हो, प्राइमरी लाइन पे कैपेसिटर शॉर्ट होगा तो क्या होगा, फोन पूरा शॉर्ट बताएगा, मतलब प्लस माइनस पे बीप बजेगी है ना, और सेकेंडरी लाइन पे शॉर्ट होगा तो क्या होगा कि फोन गर्म होगा। अब एक चीज ध्यान रखना कि गर्म होगा तो हम उसको फाइंड करके, फाइंड करना तो लगभग आता ही होगा, और नहीं आता हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इस चीज के बारे में भी बताऊंगा कि कैपेसिटर शॉर्ट कौन सा है उसको फाइंड करना है ना, या फिर मेरे चैनल पे एक वाइट फ्लक्स वाली है कि शॉर्टिंग कैसे चेक करते हैं, वो वीडियो देख सकते हो। तो एक चीज इनमें मेन चीज ध्यान रखना कि जो भी कैपेसिटर है, हम कुछ सेक्शन पे से कैपेसिटर को हटा देते हैं तो वो चल जाता है, क्या होता है, वो चल जाता है, लेकिन पावर आईसी, सीपीयू और एमएमसी के पास के कैपेसिटरों को हमेशा हमको बदलना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा है ना। और कभी हम हटा देंगे तो काम तो होगा लेकिन फोन कुछ समय बाद वो दूसरी बीमारी निकालेगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि मेन आईसी के पास के कंपोनेंट जितने भी लगे हुए, कैपेसिटर हुआ, मेन कैपेसिटर की मैं बात कर रहा हूँ, तो कैपेसिटर को हमेशा हम चेंज करेंगे, ठीक है। और अब चेंज कैसे करेंगे, हमेशा कैपेसिटर का साइज देख के हम चेंज करते हैं, मतलब जिस साइज का कैपेसिटर लगाए उसी साइज का हम कैपेसिटर लगाएंगे, ठीक है। धन्यवाद, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना, शेयर करना, धन्यवाद।